श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांति कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन पति जन संप्राप्त वर अभिनव काला गुरु नंचंद्र शांति करो कांति करो तो कल्याण प्रद सौभाग्य संतन तो आरोग्य ममन प्रसाद ये तो मना विशुद्धि ये तो ओम नमो रते भगवते तिलकनाथ घाति कर्मष्ट महाप्रंतरण दर्शनाथ स्थाय तिलकताय मेघना रमजम चीम क्रीम द्रावय स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदक प्रदान शीतलो भगवान सीता पंतु शिमस्त्वा गंधोद प्रदान गंधा पंतु शिमस्त्वा अक्षत प्रणन तो अक्षय पांत सिंहस्त कुशल प्रणाम पुष्पाणि पांत स्वाम निवेद प्रदान निमिना तो भगवान पीयूष पुण्य सिंहस्तवाम दीप प्रचंद कर्पूर निमित्त धूप प्रधान धर्मनाथ भगवान करम फल प्रा पार्श्व कमनागंत हरंत पांत सद्धम सिद्धा पदाचार्य प्रद सुनो सर्वसाधु अन्नदान विज्ञान पुस्तवाम। ओम ह्रीं पंच परमे ट्यूबुजला दीर्घ्यम नृपाति स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभ स्वामी न सीपाष्टक्रमिना स्वाहा अजित स्वामी जय शक्ति संभव स्वामी अनेक गुण चास्तवाम अभिनंदन स्वामी मित्र त्वाम सुमति स्वामी से मृतवाम पद्म प्रदयम प्रचंतवा सुपक्रम चास्तवाम चंद्र प्रचंद पुसुदंत पुसुकर शीतल स्वामी सुख श्री श्री करो वासुप्र स्वामी दत्तत्रे वासुकर विमल स्वामी श्री सद्धर मंगल स्वाम अनंतना स्वामिन अनंत अनंत सानिक धर्मना स्वामिन आधार अर्हत शांतिना शांति करो कुंतुना स्वामी अभय करो आराध्य स्वाम परम कल्याण स्वाम मलिना चचन करो मनुष्युना स्वामिन मनुष्युना स्वामिन सी सम्यक दर्शन चास्तुवा नमीना स्वामीना श्री सम्य ज्ञान चास्तवा अरिष्ट नेमी स्वामीना श्री पद प्रसादाक्षेम चार ददातुवा श्री मद पार्श्व भट्टारक स्वामीन सर्व विघ्न विनास्तु वर्धमान स्वामीन सम्यक दर्शनादि अष्ट गुण चास्तव चौबीसो भगवान की जय। हुआ ऐसे तो उस जो जो फूल चढ़ा रहे वो हैंडराज करिए उनको दिखाते जाओ। ओम ह्रीं से पंच परमेष्टि पवित्र समनोत्तरदाताय पंच महाग्रंथ चक्र प्रचंतवाम। ओम नपस्ते स्वरूपदे बलसे बलदे वासुदे सरस्वतिया प्रेन्ताम प्रेन्ताम आमसुदे चलचल प्रेन्ताम कुरुन्तु केवल ज्ञान शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम यम वरुण कुबेर वाश शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अनंत वाशुक कर्कोट पद्म महापद्म कुलश जय विजय मोर्ग शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्र अग्नि यम निरत वरुण वाय कुबेर ईशान दिग्पाल शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुरा सुरेन्द्र चमर चाण शिल विद्याधर किंपुरक्षभूत पिशा शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम बुद्ध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम विंशति भवनेन्द्र देवता शिवा प्रेन्ताम षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन जनका शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन मातृका देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम चतुर यक्ष श्वा प्रेन्ताम जन शासन देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कमलवासु देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम
सकल सिद्ध समुष्वा प्रेंताम प्रेंताम आ गुणदंडी नाम देश पंच कल्याण प्रति सुमेर उपर्वत सर्वकार सिद्धेश संपदिस्तु सिद्धिस्तुस्तुस्तु कांतनाथ चीं चवस्ती प्रेंताम वृषभाव केतु नवग्रह देवताश्वा प्रेंताम प्रेंताम इति नक्षत्र ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिण नाम देश्याम शांतिर्भवतु आरोग्यमस्तुतास्तु सुखकरंस्तु धन्यवर्ता स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकर रत्नतीकृता प्रभवशुक्लता सर्वज्ञ स्वयं शिव सिद्धाय अनंत वीरानंद सुखा सिद्धानंद दर्शनंत अतिकाजरायमरास्माकं श्रीगुणधरनन्दीनां दियेश्य मृत्योम चिंत अतकामं चिंतमिंद बलिकामं चिंतमिंद क्रोधम चिंतमिंद वैरम चिंत अग्नि सर्व शत्रुभयं चिंतमिंद सर्व उपसर्गम चिंत सर्व ग्रह भयं चिंत चामरम चिंत परमंत्रं सदा सुल रोगम चिंत जो जन्नार गजमारिं चिंतमिंद सर्व सस्य महिषमारिं चिंतमिंद सर्व वृक्षगल पत्र पुष्पमारिं चिंतमिंद सर्व देश मारियम चिंतमिंद कुरुवीताल शाकनी डाकनी सर्व वेदनीयम चिंतमिंद सर्व मोहनीयम चिंतमिंद सर्व कर्माष्ट सर्व दुर्गतम च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजो सर्व शांतिम कुरुकुरु सर्व जनानंदनम कुरुकुरु सर्व भव्यानंदनम कुरुकुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्वानंदनम कुरुकुरु सर्व दुःखम हनहन दहद पच पच कुट कुट शीघ्र शीघ्र सर्व शमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमषाय दिव्य तेजो मूर्ति नम श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्व रोगोपसर्ग प्रथम जिष्णाय ओम राम रीम रूम रूम रोम रा अशियावस गुणधर नंदी नाम देश्य सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु रिद्धिम सिद्धिम समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरु रीम वशे नम स्वाहा ओम भय वधु वढ्य मानस ऋषहम चक्रम जलतम गच्छाया संपाया सम जीवा विवा देवा तंबी नवार नवा राहि नवा मोहि नवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूत भूत रख रख स्वाहा। आइए आपके नाम पर जो भी झुमके पर है सभी नवग्रह जो उन पर विराजित सभी लोगों के नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व आज सूचनाएं आप लोगों को देता हूं। कल आपको बता रहा था भगवान महावीर प्रभु का दिव्य और भव्य महामस्तकाभिषेक हुआ। वास्तविक जो भगवान का जन्म कल्याण का जो जन्माभिषेक होता है वो वास्तविक मस्तक अभिषेक होता है। क्या दूध की धारा, क्या पानी की धारा, क्या केसर की धारा, दिव्य धारा बहती है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। पूरा पर्वत पर्वत जो है जलमय हो जाता है, पूरा पर्वत दूधमय हो जाता है, धृतमय हो जाता है, दधिमय हो जाता है और पुष्प वृष्टि देव दुंदुभि के साथ चारों तरफ से चौंगी तरफ से पुष्प वृष्टि जो है होती है। भगवान अभिषेक होने के बाद पोषण करते हैं मां सौधर्मेन्द्राणी पोषती है। वर्धमान पुराण के अंदर एक दृष्टांत आता है, बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। भगवान के पोषते समय जो इंद्राणी का जो रत्नों के आभूषण थे उसके अंदर भगवान के चेहरे में चमकने लग गए थे। इतनी शुभ्र और स्फटिक की तरह प्रभु की मूरत थी। प्रभु महावीर का आकर्षण अद्भुत अलौकिक था। देव दानव
मनुष्य, नर, नारायण, पशु, पक्षी सभी आकर्षित थे। उनकी अब के समय अभी कोई भगवान नहीं हुए। बाल का जन्माभिषेक के लिए, देखने के लिए चरण चरणधारी मुनिराज तक वहां पहुंचे थे। बड़ा वैभव पुण्य कारक वह दृश्य था। अब उसके बाद पोसते पोसते लक्षण को देखा जाता है। लक्षणम भविष्य सूचकम, शरीर के अंगोपांग के जो लक्षण होते हैं मनुष्य के होने वाले भविष्य के सूचना के चिन्ह होते हैं। भविष्य के अंदर क्या होने वाला, पालना का के अंदर ही भविष्य का भूत का लक्षण दिखता है। तो भगवान महावीर के शरीर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, विश्व गुरु बनने के लिए तीर्थंकर पदों को पाने का और जगत पूज्य होने के 1008 लक्षण थे। इसलिए हम सब भगवान की जयकारा, 1008 महावीर भगवान की जय बोलते हैं। उसमें सीधे पैर के अंदर अंगूठा है, अंगूठा के अंदर एक चिन्ह दिखाई देता है, एक लक्षण, एक आकृति दिखाई देती। यह आकृति, इसको सामुद्रिक लक्षण कहते हैं। ग्रह नक्षत्र जैसे भविष्य की व्याख्या की जाती है, वैसे हाथों के लक्षण रेखाएं भी यह एक सामुद्रिक का अंग है। हमारे कर लखन करके ग्रंथ आता है, वो अभी बताने की मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन का अन्नादि त्याग है, केवल स्वल्प अल्पोपहार से आहार चल रहा है। क्योंकि टाइफाइड को हुआ है, इसलिए कंट्रोल करने का तरीका है, आहार का मर्यादित है। अभी टाइफाइड की कम से कम 2-3 दिन के पहले कम से कम 103 104 की बुखार चल रहा था, पूरा कंट्रोल हो चुका है। केवल अन्न ही जो है कंट्रोल करने का तरीका है, तो वो पूर्ण हो चुका है। अभी स्वस्थ हूँ, 2 दिन के अंदर ही कंट्रोल हो चुका है। तो मैं ज्यादा ये नहीं कहता, इतना जरूर कहूंगा कि जो लक्षण होते हैं वे बहुत ही बुद्धि कारक होते। अगर एक आध लक्षण आप भी बता दो, अगर आपके हाथ के अंदर आपके बच्चों के, अगर बार बार माता पिता ये टेंशन में रहते हैं लोग, अपना बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, अगर यहाँ बुद्ध का अगर रेखा, अगर यह लंबा सा रेखा नहीं है, अगर ये पर्वत उठा नहीं, आप कितने उस बच्चों को पढ़ाओ वो पढ़ नहीं सकता है। गजम भी आप खड़े हो जाओ उसके सामने, मारो कूटो, बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर उसके अंदर रेखा है तो निश्चित रूप है ना, आपको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही पढ़ने लग जाएगा। और एक आध लक्षण आपको बताता हूँ, हाथ का बता दिया, नीचे का बता देता हूँ। आपकी पैरों की उंगली रहती है और उंगली के बाजू में अंगूठा रहता है, अंगूठा अंगूठा के बाजू में एक पैर उंगली रहती है, अंगूठा बड़े उंगली के बाजू में पैर रहता, अंगूठा रहता है। अगर वो सबसे ज्यादा बड़ा है तो वो किसी से डरता नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर होता है। और वो छोटा है, वो किसी की, वो कोई उसका सुनता नहीं। क्या आज की सामान्य लक्षण भी है? ये बहुत सारे हैं, शरीर के अनेकों बातें हैं, बुद्धि विकास।
खाने कान के बाजू में यहाँ अगर कोई तिल है या मच्छा है तो वो मनुष्य यशस्वी और देश प्रसिद्ध जग प्रसिद्ध देश प्रसिद्ध मनुष्य पैदा होता है। कान के बाजू बहुत सारे लक्षण है, कर लक्षण में देख लेना, या बहुत कभी और बातें करती तो भगवान महावीर की जो अंगूठा है, अंगूठे के अंदर एक चिन्ह था शेर पराक्रमी, जैसे शेर पराक्रमी थे है वैसे ही महावीर का स्वभाव पराक्रमी था। और महावीर ये खुद भी जो है सिंह राशि का राशि है, उस राशि से उससे कोई संबंध नहीं है, मैं कह रहा हूं महावीर भी एक सिंह राशि का ही प्रतीक है। दो चीजों में शेरों का संबंध दिखाई देता है, महावीर के म अक्षर में उसकी राशि जो है सिंह है, और पैरों के अंगूठे के अंदर सिंह था, इसलिए भगवान महावीर का जो लांछन है चिन्ह है वो शेर पड़ा। क्योंकि दिक्कत यह है कि चिन्हों को क्यों अंकित किया जाता है, अब ध्यान रखिए जितने भी भारत देश के अंदर मूर्तियां बनती है वो मूर्तियां कोई भी वो न परमात्मा के आकृति का एक भी नहीं है। जो भगवान पार्श्वनाथ थे, चाहे वो महावीर थे, चाहे वो आदिनाथ थे, उनकी चेहरा उस चेहरे से कोई संबंध नहीं है, कहीं भी संबंध नहीं है, ना इंच मात्र भी संबंध नहीं। ये जो अभी जो मूर्तियां बनती, क्योंकि कारण क्या है, हजारों लाखों साल के पहले जो है वो तीर्थंकर हो चुके हैं, आप उनकी चेहरा की फोटो किसके पास है? आज राम की, चाहे वो एक ही मात्र इनके ही नहीं है, भारत देश के 99% जितने भी अवतार पुरुष हुए किसी की मूर्ति किसी से कोई संबंध नहीं है, वे अपनी कवियों की कल्पना शास्त्रों का उल्लेख के माध्यम से वास्तव कुछ शास्त्रों या प्रतिष्ठा शास्त्रों के अभिरुचि से किया जाता है। तो वो जो मूर्तियां सारी आदिनाथ का भी मूर्ति आप गोल देखते हो, महावीर का भी मूर्ति गोल देखते हो, चाहे वो और किसी का भी मूर्ति दे, सुनतीनाथ का भी सेम मूर्ति है, तो क्या सारे लोग क्या एक ही जैसे थे क्या? क्या आपके घरों में 5 लोग के सारे के नाक कान आंख मुंह चेहरा बॉडी सब एक जैसा रहता है क्या? कोई ठिकना रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई मोटा रहता है? तो तीर्थंकरों का भी आकृति भगवान आदिनाथ की 500 धनुष थी और महावीर की हाथ थी, धनुष नहीं हाथ ही थी साधन, तो अलग अलग विषय है। मैं इतना वो अब रही बात, फिर सारे का एक जैसा मूर्ति आप क्यों बनाते हैं? फिर उसको क्यों, महावीर को क्यों माना जाए? उसको लास्ट तक इसका जो मैंने दे पढ़ा, मुझे जो समझ में आया या जो हमारे गुरुओं ने आगमों में कहा है कि उसले उनकी सारी जो है आकृति सेम मूर्ति की रखी जाती है, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक, और महावीर से लेकर के आदिनाथ तक जो गुणों की दृष्टि से इनकी आकृति सेम बनाई जाती, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने भी 4 घातिया कर्मों को नाश किया और महावीर ने भी 4 घातिया, इसलिए अरहंत पद मिला, वो सिद्ध बने, तो सारे ने भी 8ों कर्मों को नाश किया इसलिए सिद्ध हुए। तो गुणधर्मी की दृष्टि से, गुणात्मा की दृष्टि से भगवान आदिनाथ के अंदर भी 1008 लक्षण थे, और हमारे प्रभु महावीर के अंदर भी जो है 1008 लक्षण थे, तो इसलिए गुणात्मक भावनाओं